हरियाणा की हर अपडेट के लिए बेल आइकन दबाएं और सब्सक्राइब करें एसटीवी हरियाणा न्यूज। सिरसा के अस्पतालों में ऑक्सीजन की कमी दिखने लगी है। दरअसल सिरसा में गांधी मार्केट में स्थित कोरोना केयर सेंटर बिश्नोई नर्सिंग होम में एक मरीज उपचार के लिए भर्ती हुआ। ऐसे में ऑक्सीजन की कमी के चलते उस मरीज को डॉक्टरों ने अन्य जगह ले जाने को कहा। इस पर मरीज के परिजन सहमत हो गए और वो किसी अन्य अस्पताल के लिए यहां से चले गए। सिर्फ इसी अस्पताल में नहीं, सिरसा के अन्य अस्पतालों में भी ऑक्सीजन की कमी के मामले सामने आ रहे हैं और ऑक्सीजन की कमी के चलते कुछ मरीजों की मौत भी हो चुकी है। जी, हमारे पास लगभग 20 पेशेंट एडमिट हैं और आईसीयू में 6 से 7 पेशेंट्स हैं जिनकी हाई फ्लो ऑक्सीजन पे पेशेंट्स हैं हमारे। हाई फ्लो का मतलब होता है लगभग 15 से 18 लीटर एक मिनट में हम उनको दे रहे हैं। अब अभी की सिचुएशन जो है, हमारे पास सिर्फ 2 सिलेंडर बचे हैं लगभग 2-2.5 घंटे के आसपास, जिसकी हम बैकअप सपोर्ट जिसको मानते हैं। तो हमारा फर्ज है, एक नैतिक अधिकार भी है हमारा, और एक आज के समय में अगर हम एक जिम्मेवारी समझें सबकी, एक मानवता के नाते हम अपने पेशेंट्स को, उनकी जो सच्चाई है पेशेंट्स को हमने बताई है, भी हमारा फर्ज है इलाज करना। अब ऑक्सीजन अगर हमारे को थोड़ा ऐसे लग रहा है अभी शायद ऑक्सीजन की शॉर्टेज है पीछे से, तो हमारा टाइम रहते हुए अगर हम अपने पेशेंट्स को उनका सही रास्ते पे, अगर उनका सही, अगर वो हॉस्पिटल में टाइम से पहुंच जाए तो उनके लिए बेहतर होगा।